मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले पर भारत और कनाडा की तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि अभी भी कनाडा के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखने के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। दोनों देशों के बीच चल रही आपसी तनातनी के बीच एक दिन पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत की थी। अब भारत के विदेश मंत्री की कही गई बात कनाडा के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। कनाडा के पीएम ने कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ विश्वसनीय सबूत होने की बात कही थी। कनाडा ने इस मामले पर अमेरिका के साथ मिलने की बात कही थी। वहीं अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वह कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कनाडा के साथ करीबी से संपर्क में हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने भारत से भी बातचीत की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से उन्होंने इस मामले पर सहयोग करने की अपील भी की है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।